ऑनलाइन पैसे की मांग से परेशान होकर एक युवक ने अपनी प्रेमिका को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। प्रेमी ने पहले महिला को अपनी गाड़ी में बिठाया और फिर उसे अपने साथ पर्यट के जंगल ले गया, जहां पर उसने पहले कटर से हमला किया और फिर सिर पर पत्थर पटक दिया। निक्की को लगा कि मोना की मौत हो गई और उसे वह वहीं छोड़कर अपने घर आ गया और मूर्ति बनाने में जुट गया। घटना के बाद वन विभाग में पदस्थ आरक्षक दीपक वहां से निकल रहा था, जिसने न सिर्फ महिला को अस्पताल पहुंचाया बल्कि महिला से पूछताछ कर हत्यारे का नाम भी सामने लाया। आज जांच के बाद खमरिया थाना पुलिस ने आरोपी को शीतलामाई के पास से गिरफ्तार कर लिया है। एसपी ने बताया कि मूर्ति बनाने के साथ साथ निक्की जादू टोना का भी काम करता था, इसी के चलते उसका मोना से परिचय हुआ था। आरोपी ने पूछताछ महिला को बताया कि 5 साल से उसके संबंध हैं और अब महिला पैसे की डिमांड बार बार कर रही थी, जिसके चलते उसने उसे मारने की योजना बनाई थी। जांच के दौरान पुलिस को सीसीटीवी फुटेज भी मिले हैं, जिस पर वो महिला को बिठाकर पर्यट की तरफ ले जा रहा था। काम करता है और इसने जिस हथियार का उपयोग किया वो मूर्ति बनाने में यूज होता है। इस हथियार को भी हमने जब्त किया, वो एक्टिवा भी जब्त किया, बाकायदा उसकी हमारे पास रिकॉर्डिंग है। महिला को पीछे बैठा के ले जाते हुए सारी चीज़ें हम साक्ष्य के तौर पे माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे। ये झाड़बूक का भी काम करता है। इस महिला का जो संपर्क इस व्यक्ति से हुआ वो झाड़बूक के संदर्भ में ही हुआ और पिछले 4-5 साल से एक दूसरे को ये जानते हैं, जब से मृतका के पति की डेथ हुई है। मारने की वजह ये थी कि ये उससे पैसे की, महिला पैसे की डिमांड कर रही थी और इसका कहना था कि मूर्ति हमारी बन रही है, मूर्ति जैसे बन जाएगी और बिक जाएगी, पैसा मिलेगा, गणेश उत्सव और नौ दुर्गा आने वाली हैं तो हम आपको पैसा दे देंगे। इसी को लेकर ये सारा घटनाक्रम हुआ और इसने पर्यट को चुना क्योंकि ये सुनसान इलाका है, वहाँ पर मिलने के लिए ले गया और वहीं पे धारदार हथियार से महिला की हत्या। भी आरोपी है तो वो ये चीज़ नहीं बताएगा कि हमने क्यों मारा। ये जो चीज़ हमने बताई ये इसका वर्जन है जो उसने 27 के मेमो में एक्सेप्ट किया है। अभी हम और उसको वेरीफाई करेंगे, ये सच बता रहा है कि झूठ बता रहा है, लेकिन जो वीडियो बता रहा है, हमारा जो सीसीटीवी फुटेज बता रहा है, वो स्पष्ट है कि महिला अपनी इच्छा के साथ इसके साथ पर्यट गई थी, जो हमारे एविडेंसेस स्पष्ट बताते हैं। लेकिन वहाँ कौन सी स्थिति ऐसी बनी कि महिला की हत्या कर दी, ये हमारे आगे की विवेचना का पार्ट है और हम इसको निश्चित तौर पर इसका